सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि ट्रिप गोकू उन सभी सेलेस्टियल सेबिन को रोकता है और वो गोकू को एनर और वेलादिस की पावर दे देता है जो कि सेलेस्टियल सेपियन की कमजोरी है। इसके बाद गोकू अपनी न्यू फॉर्म में आ जाता है और वो सभी सेलेस्टियल सेपियन को खत्म कर देता है। लेकिन अभी दो सेलेस्टियल सेपियन बचे होते हैं जिन्हें गोकू एक्स मारना चाहता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है, और जिसने भी पिछला पार्ट नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में चले जाना इस वीडियो को देखने के बाद, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, लाइक करना मत भूलना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 की शुरुआत होती है ड्रिप गोकू पर और स्टार बियर्ड ड्रिप गोकू से बोलते हैं, हमें इससे बचाओ प्लीज। लेकिन ड्रिप गोकू का ध्यान ग्रैंड प्रिस्ट पर रहता है और वो कहता है, अरे नहीं, मैंने मना किया था ना कि उससे दूर रहना। अब गोकू एक्स कहता है, आज इन दोनों की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। अब ग्रैंड प्रिस्ट खड़े होते हैं और वो बोलते हैं, रुक जाओ गोकू, तुम मेरी बात को सुनो, होश में आओ। गोकू एक्स कहता है, नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मुझे बहुत ही परेशान किया है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। ड्रिप गोकू कहता है, ओ लगता है इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, मैं समझ सकता हूँ, इसने वजीटा को खो दिया है और विश और पीरस भी। एलियन एक्स कहता है, नहीं सुनो मेरी बात, तुम इसे रोक दो वरना यह हमें खत्म कर देगा। ड्रिप गोकू पूछता है, क्या तुम सच में सॉरी फील कर रहे हो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के सामने आ जाता है और बोलता है, गोकू होश में आओ, अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। गोकू एक्स काफी गुस्से में होता है और बोलता है, ए प्रिस्ट सामने से हट जाओ वरना इनके साथ तुम भी मारे जाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना फायर स्पेल यूज करता है और बोलता है, ये आग का घेरा तुम बिल्कुल भी पार मत करना। तभी गोकू के चारों तरफ आग का घेरा बन जाता है। गोकू एक्स बोलता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तभी गोकू एक्स अपनी एनर्जी से ग्रैंड प्रिस्ट की आग को गायब कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट ये देखकर शॉक हो जाते हैं। ड्रिप गोकू बोलता है, लगता है एनुअल वलादिस की पावर की वजह से इसके अंदर बस डिस्ट्रक्शन के थॉट पैदा हो रहे हैं। तभी गोकू एक्स काफी तेजी से एलियन एक्स और स्टार बियर्ड की तरफ आता है ताकि वो उन्हें मार सके। अगर उसी वक्त ड्रिप गोकू उन दोनों पर एक शील्ड बना देता है जिससे वो बच जाते हैं। गोकू एक्स गुस्से में कहता है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब पीछे से ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर फ्रीजिंग स्पेल का यूज करते हैं, मगर गोकू एक्स तभी पीछे मुड़कर ग्रैंड प्रिस्ट के फ्रीजिंग स्पेल को ब्लॉक कर देता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, रुक जाओ, और अब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर ब्लास्ट कर देते हैं और वहां पर धुआं हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू को उस धुएं में देखने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें वहां पर गोकू दिखाई नहीं देता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कहां गया वो? और तभी हम देखते हैं कि गोकू एक्स ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे आ चुका है और वो एक ही हमले में ग्रैंड प्रिस्ट को खतरनाक वाली चोट पहुंचा देता है। अब ड्रिप गोकू कहता है, मैंने इसे ये पावर देकर गलती कर दी है, इस पावर को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये पावर इस पर हावी हो रही है, मैं इसे इसके साथ रहने नहीं दे सकता हूँ। अब गोकू एक्स काफी ज्यादा गुस्से में होता है। स्टार बियर्ड बोलता है, एनुअल वेलादिस एक ऐसी पावर है जो हर किसी को तबाह कर देती है, ये पावर छोटा या बड़ा नहीं देखती, ये हर रेस हर चीज की पावर को सोख लेता है। ड्रिप गोकू कहता है, ओ मगर मैं तो इसे कब से अपने पास रख रहा हूँ, पर मैंने इसका इस्तेमाल आज ही किया, मुझे पता नहीं था कि ये इतना खतरनाक साबित होगा। एलियन एक्स कहता है, पहले हमारा भी होम प्लैनेट हुआ करता था, मगर जब से ये एनर्जी वहाँ पर आई तब इसने हमारे लोगों को खाना शुरू कर दिया, हमें तो पता भी नहीं चल रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ड्रिप गोकू बोलता है, ओ मतलब कि तुम लोगों ने भी बुरे वक्त को झेला है। अब गोकू एक्स तेजी से एलियन एक्स की तरफ आता है और बोलता है, सेलेस्टियल सेपियन बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे?
स्टारबेट बोलता है, ये गोकू नहीं है बल्कि उसके अंदर से वो एनर्जी कह रही है, ड्रिप गोकू कहता है। ओके अब इसे यही खत्म करते हैं। चलो भाई गोकू, तुम्हारे शांत होने का वक्त आ गया है। अब गोकू एक्स ड्रिप गोकू की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं मैं इसकी बॉडी को नहीं छोड़ूंगा। तभी गोकू एक्स ड्रिप गोकू पर ही हमला करने की तैयारी करने लगता है, मगर तभी ड्रिप गोकू अपनी पावर से गोकू एक्स के सामने रोशनी कर देता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि गोकू अब वापस से नॉर्मल हो जाता है और ड्रिप गोकू गोकू से एन्योर वेलादिस की पावर को ले चुका होता है। ड्रिप गोकू कहता है, क्या तुम ठीक हो गोकू? गोकू बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी स्टार बेड कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। ड्रिप गोकू कहता है, मगर अब तुम्हें कभी किसी को परेशान नहीं करना है और तुम अपने होम प्लैनेट में वापस जा पाओगे क्योंकि मैं वहां से उस एनर्जी को निकाल चुका हूं। एलियन एक्स बोलता है, और हमारे साथी? ड्रिप गोकू कहता है, वो भी तुम्हें वहां पर मिल जाएंगे, मैंने सभी को वहीं भेज दिया है। स्टार बियर्ड को ड्रिप गोकू का काम पसंद आता है और वो कहता है, आज तुमने हमें सिखा दिया कि इमोर्टल होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की जान ले, हम इमोर्टल इसलिए है ताकि हम दूसरों की रक्षा कर पाएं। ड्रिप गोकू बोलता है, चलो तुम्हें कुछ तो सीखने को मिला तो अब तुम जा सकते हो। अब स्टार बियर्ड और एलियन एक्स वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। ड्रिप गोकू बोलता है, शुक्रिया तो ठीक है मगर ये देखो तुमने क्या किया। अब गोकू ग्रैंड पृष्ठ की तरफ देखता है, उसे वो जख्मी हालत में नजर आते हैं। गोकू बोलता है, ओ नो क्या ये मैंने किया है? ड्रिप गोकू कहता है, हाँ ये सब तुम्हीं ने किया है मगर तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। अब ड्रिप गोकू अपनी एनर्जी से ग्रैंड पृष्ठ को हील कर देते हैं और वो भी खड़े हो जाते हैं। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं, क्या मैं जिंदा हूँ? ड्रिप गोकू कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि उससे दूर रहना, फिर भी आप बार बार उसके सामने आ रहे थे। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं, ओ मुझे माफ करना। गोकू बोलता है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। ड्रिप गोकू कहता है, हाँ अब सब ठीक हो गया है, वो लोग तुम्हारी जिंदगी से बहुत ही दूर चले गए हैं, अब तुम सुपर शेनरोन की मदद से अपने दोस्तों को ला सकते हो। गोकू बोलता है, क्या मुझे अब सुपर ड्रैगन बॉल फिर से ढूंढने पड़ेंगे? ड्रिप गोकू कहता है, बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता, फिर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को यकीन भी तो दिलाना है कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, जाओ और सबको बता दो कि तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। ड्रिप गोकू कहता है, ठीक है मेरा काम हो गया अब मैं चलता हूँ। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं, हम फिर मिलेंगे गोकू। ड्रिप गोकू कहता है, जरूर। अब ड्रिप गोकू वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है मेन टाइमलाइन में, जहां पर गोहान वजीटा की बातों से परेशान हो चुका होता है। गोहान कहता है, वजीटा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब विश ग्रैंड पृष्ठ के पास जाकर कहता है, फादर मैंने मेरे डिस्ट्रॉयर से बात करी, वो चाहते हैं कि ब्रोली हमारी तरफ से आगे जाए। ग्रैंड पृष्ठ कहता है, ओके तो अब क्या कर सकते हैं, हमें यही करना होगा। गोहान कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, मैं ये होने नहीं दूंगा। अब गोहान वहां से तेजी से चला जाता है। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं, तो ठीक है विश, अगली फाइट होगी ब्रोली और चीरेन के बीच। विश कहता है, जी फादर। अब ये खबर बेलमोर तक पहुंच जाती है और वो शॉक्ड होकर कहता है, क्या ब्रोली? मगर मैं तो गोहान के लिए वहां पर गया था। जीरेन कहता है, लॉर्ड बेलमोर आपने तो मुझे और भी फंसा दिया है, अब मैं क्या करूंगा? बेलमोर कहता है, जीरेन मुझे पता नहीं था कि ग्रैंड मिनिस्टर ब्रोली को ही चुन लेंगे। जीरेन बोलता है, मगर मैं इस फाइट में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ ध्यान करने, आपसे कोई सलूशन निकलता है तो जरूर बताना। अब सीन जाता है ब्रोली पर और उससे मिलने आया हुआ है गोहान। ब्रोली बोलता है, गोहान तुम यहाँ? गोहान कहता है, हाँ ब्रोली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ब्रोली कहता है, हाँ कहो गोहान क्या बात है? गोहान कहता है, इस कंपटीशन
से अपना नाम वापस ले लो। ब्रोली को गोहान की बातें समझ नहीं आती। वो बोलता है, मतलब क्या है तुम्हारा? गोहान कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना नाम वापस ले लो ताकि मैं आगे जा पाऊँ। ब्रोली कहता है, मगर कॉम्पिटिशन में तो हम साथ में जा रहे थे ना? गोहान कहता है, नहीं, प्लान में चेंजेस आई हैं। ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा है कि तुम में से और मुझ में से एक ही आगे जाएगा, और वेजिटा ये चाहता है कि तुम आगे जाओ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगे जाऊँ। ब्रोली कहता है, ये तो काफी सीरियस बात लग रही है। गोहान कहता है, नहीं नहीं, ये कोई सीरियस बात नहीं है, तुम्हें बस अपना नाम वापस लेना है, सिंपल। ब्रोली कहता है, नहीं गोहान, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। गोहान पूछता है, मगर क्यों ब्रोली? तुम तो इस फाइट में जाने से मना कर रहे थे ना, तो अब दोबारा कर दो। ब्रोली कहता है, हाँ करता था, मगर मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना ही होगा क्योंकि मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। गोहान को ब्रोली की बात पर काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। ब्रोली कहता है, कुछ नहीं। गोहान बोलता है, मगर मुझे वो पोजीशन चाहिए, और उसके लिए तुम्हें पीछे हटना होगा। ब्रोली कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? गोहान बोलता है, तुम्हें मरना होगा ब्रोली। ब्रोली को अब गोहान की बात ठीक नहीं लगती और वो कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? गोहान कहता है, अभी तक तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अगर तुमने पीछे हटने का नाम नहीं लिया तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब गोहान वापस वहां से चला जाता है। सीन जाता है बीरस पर। बीरस कहता है, तुमने किससे पूछकर गोहान को कंपटीशन से बाहर किया वेजिटा? वेजिटा बोलता है, क्या करता और कोई रास्ता नहीं बचा था। बीरस कहता है, नहीं, ये तो गोहान के साथ अनफेयर हो जाएगी। वेजिटा कहता है, होने दीजिए, अपने को क्या लेना देना है, और वैसे भी ब्रोली उससे स्ट्रॉन्ग है। अब सीन जाता है यूनिवर्स 6 में, जहां पर चैंपा सुपर चैनरोन के सामने खड़ा होता है और बोलता है, सुपर चैनरोन, हमें एक ऐसा योद्धा दो जो कंपटीशन में हमारी मदद करे, और वो सभी फाइटर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब सुपर चैनरोन थोड़ा सोचता है। चैंपा कहता है, तुम्हें लगता है कि ये हमारी विश को पूरा करेंगे? वेडोस कहती है, थोड़ा सब्र रखिए लॉर्ड चैंपा। सुपर चैनरोन कहता है, मैं उसे कोकू के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता हूँ। चैंपा कहता है, हाँ चलेगा चलेगा। सुपर चैनरोन कहता है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। और अब सुपर चैनरोन वहाँ से चले जाते हैं। चैंपा कहता है, वेडोस, क्या तुम्हें वो नजर आ रहा है? वेडोस कहती है नहीं लॉर्ड चैंपा। और तभी अचानक से चैंपा का पूरा प्लैनेट हिलने लगता है। चैंपा कहता है, ये क्या अर्थक्वेक? सो हेलो गाइज, कैसी लगी वीडियो आपको? मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।